नमस्कार, आप देख रहे हैं HBN न्यूज। वडाली तहसील के पाटीदार अनामत आंदोलन समिति की ओर से आवेदन पत्र दिया गया, जबकि पाटीदार अनामत आंदोलन समिति की ओर से गुजरात के विभिन्न विभागों के कर्मचारियों के ग्रेड वेतन और सुविधाओं में सुधार किया गया है। वडाली तहसील के पाटीदार अनामत आंदोलन समिति की ओर से आवेदन पत्र दिया गया, जबकि वडाली तहसील पाटीदार अनामत आंदोलन समिति गुजरात राज्य के विभिन्न विभागों के कर्मचारियों के ग्रेड वेतन और सुविधाओं में सुधार कर रही है। ASI कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल का ग्रेड वेतन बहुत कम है, इसके बजाय ये 4200 से 3600 से 2800 होना चाहिए। गुजरात पुलिस के सभी कर्मचारियों के वृद्धावस्था भत्ते को बढ़ाया जाना चाहिए और गुजरात पुलिस के कुछ कर्मचारियों को 24 घंटे के लिए ड्यूटी पर नहीं रहने का आदेश दिया जाना चाहिए। इसके विरुद्ध उन्हें केवल 8 घंटे का वेतन दिया जाता है, ताकि ड्यूटी पर समय निर्धारित हो और अगर काम करने का समय 8 घंटे से अधिक हो तो मानवाधिकारों के अनुसार उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए। इन 12 विभिन्न मांगों के समर्थन में रमेश भाई पटेल, मिलन पटेल और सभी गांव के साथ पास के संयोजक ने वडाली मामलतदार साहब को आवेदन पत्र सौंप कर अपनी भावनाओं को व्यक्त किया। ब्यूरो रिपोर्ट, HBN न्यूज। आज वडाली तहसील के पाटीदार अनामत आंदोलन के द्वारा मामलतदार श्री को दिया आवेदन पत्र और पुलिस कर्मी को लेकर प्ले ग्रेड की मांग को लेकर किया है आवेदन पत्र। आज रोज पाटीदार अनामत आंदोलन समिति वडाली गुजरात पोलिस विभाग ने ग्रेड पे अन्य सुविधाओं नो लाभ आपवा माटे अमे वडाली पास टीम द्वारा एक मामलतदार साहेब ने आवेदन पत्र आप्युं छे। आ आवेदन पत्र माननीय मुख्यमंत्री सुधी पहोंचाड़वा माटे मामलतदार साहेब ने विनंती करी छे। गुजरात राज्य पोलिस विभाग ने ASI कोन्स्टेबल अने हेड कोन्स्टेबल ना जे ग्रेड पे जे छे ते खूब ज ओछा छे, तेना बदले 4200 3600 અને 2800 નો ગ્રેડ પે કરવામાં આવે અને જૂના પથ્થાઓ જે છે તેની અંદર વધારો કરવામાં આવે અને પોલીસ વિભાગની જુદી જુદી 12 જે પડતર માંગણીઓ છે એ માંગણીઓ સંતોષવામાં આવે, જેવી કે તેમના સાયકલ એલાઉન્સ જે જૂનું 5 રૂપિયા આપવામાં આવશે તેમાં વધારો કરીને 500 રૂપિયા કરવામાં આવે, તેમના વોશિંગના જે 25 રૂપિયા છે તેની અંદર વધારો કરવા સહિત જે વિવિધ જે 12 માંગણીઓ છે, આ 12 માંગણીઓના અનુસંધાનમાં અમે વડાલી પાસ ટીમ આ ગુજરાત પોલીસની જે માંગણી છે ગ્રેડ પે વધારાની તેને અમે સમર્થન કરીએ છીએ અને એના સમર્થનના ભાગરૂપે અમે આજે વડાલી પાસ ટીમના મુખ્ય કન્વીનરોએ મામલતદાર સાહેબને આવેદન પત્ર આપી અને અમારી લાગણી માનનીય મુખ્યમંત્રી સુધી પહોંચાડવાનો એક નમ્ર પ્રયાસ કરેલ છે।